एक नन्ही सी चिड़िया अक्सर मेरी खिड़की पर आया करती थी, मुझसे बातें करती थी, मेरा हाल पूछती थी, मुझसे पूछा करती थी आज पढ़ाई में कितने नंबर आए, और मैं उससे अपनी दोस्ती निभाते हुए सारी बातें बता देती थी। लेकिन आजकल वो चिड़िया नजर नहीं आती, आखिर कहाँ गुम हो गई है किसानों की दोस्त गोरैया। कृषि जागरण में आपका स्वागत है, मैं हूं अंजलि त्यागी। आज हम बात कर रहे हैं एक नन्ही चिड़िया गोरैया की। किसानों की दोस्त समझी जाने वाली गोरैया अब आपकी खिड़की पर नहीं चहचहाती, अब अपनी छोटी चोंच में वो दाना लेने भी नहीं आती है। आपने सोचा है आखिर कहाँ चली गई ये नन्ही चिड़िया? आज हम इसी चिड़िया के बारे में बात करते हैं। गोरैया किसान की सबसे बड़ी दोस्त है। यह खेतों में कीड़े मकोड़ों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट कर देती है। इससे इस नन्ही चिड़िया के बच्चों की खेत में मौजूद कीड़ों से हाई प्रोटीन भी मिल जाया करता था। लेकिन जब से किसानों ने खेतों में कीटनाशकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से इनका घरौंदा ही छिन गया है। अब इनके बच्चों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे ये खेतों से दूर हो चुकी हैं और शायद अब शहर में अपना आशियाना तलाश रही है। इसके बाद शुरू हुई इस नन्ही चिड़िया का संघर्ष। आइए जानते हैं शहरों में क्या इस चिड़िया को जगह मिली है। गोरैया एक ऐसी चिड़िया है जो अपनी छोटी सी चोंच से गंदगी फैलाने वाले कीड़ों को खत्म कर देती है। लेकिन अब शहरों के कंक्रीट जंगल में भी इन चिड़ियों को घोंसला बनाना मुश्किल हो चला है। इन शहरों की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक और पर्यावरण की पॉल्यूशन से इन चिड़ियों का जीना मुहाल हो चला है। ये अब शहरों में भी नहीं दिखती है, गली मोहल्लों में फैली इन तारों के जाल में भी ये चिड़िया नजर नहीं आती है। कहाँ चली गई ये चिड़िया आखिर? क्या आपने कभी सोचा है क्या कारण है इन चिड़ियों के अचानक गायब हो जाने का? इस नन्ही चिड़िया गोरैया का संघर्ष शहरों में आज भी जारी है। यहाँ की ऊंची इमारतों में घर कुछ इस तरह से बनाए जाने लगे हैं कि इस मासूम पक्षी को अपना घोंसला बनाने की जगह ही नहीं मिलती है। इसके अलावा यहाँ के दूषित माहौल में इस चिड़िया को प्रजनन के लिए उचित वातावरण भी नहीं मिल पाता है। मौजूदा समय में इस नन्ही चिड़िया को पोषक आहार की कमी भी खल रही है, क्योंकि शहरों में प्रदूषित वातावरण ने इस चिड़िया का भोजन नष्ट कर दिया है, जिसके कारण बीते कई सालों से गोरैया की संख्या तेजी से घटी है। अब ये नन्ही चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर है, या यूं कहें कि अब नजर भी नहीं आ रही है। भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी और फ्रांस की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के सामूहिक सहयोग से गोरैया को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, जिससे इनके संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस भी मनाया जा रहा है। गोरैया की गिरती संख्या को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए वर्ष 2012 में दिल्ली सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया था, गोरैया को राज्य पक्षी घोषित कर दिया था। इसके साथ ही साथ दिल्ली के कई इलाकों में गोरैया को संरक्षण देने के लिए कई पार्क भी विकसित किए गए, जहां इनको पूरा इकोसिस्टम विकसित करके दिया गया। नतीजा इन पार्कों में अब गोरैया थोड़ी बहुत नजर आती है। लेकिन हाल ही में दिल्ली के गड़ी मांडू पार्क में बनाया गया गोरैया पार्क, हमने वहां विजिट किया तो वहां पर एक भी चिड़िया नजर नहीं आई। आखिर क्यों? क्या कारण है कि चिड़िया अब दिल्ली में भी नजर नहीं आ रही है, जबकि दिल्ली का ये राज्य पक्षी है? दिल्ली में स्थित गोरैया पार्क में कई प्रकार के पक्षियों को देखने का मौका मिल सकता है। लगभग 20 एकड़ में फैले इस पार्क को स्थानीय पक्षी, कबूतर, गिलहरी, लंगूर और चींटी आदि के साथ साथ एक स्थानीय पक्षी गुसल भी अपना बसेरा बना लिया है। लेकिन गोरैया कहीं नजर नहीं आती है। इस पार्क को दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यह एक शांतिपूर्ण और सुंदर पर्यटक स्थल भी है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। इस पार्क में एक झील भी है, जो अधिकतर पक्षियों के लिए पानी पीने का महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन यहाँ पर भी लोगों की इतनी भीड़ और हुजूम देखकर शायद गोरैया को यहाँ का माहौल नहीं लुभा रहा है। यहाँ पर भी गोरैया की फोटो
और चित्र तो दिखे लेकिन गोरैया नजर नहीं आई। यह भी एक सोचने का विषय है। यहाँ पर सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला जो पक्षी है वो गोरैया ही है, जो कि इस पार्क में कहीं नजर नहीं आता। बस यहाँ पर उनके पोस्टर और चित्र तो लगाए गए हैं और इस पार्क को पूरी तरीके से गोरैया को समर्पित किया गया है ताकि इन गोरैया की संख्या को बढ़ाया जा सके। लेकिन शायद यहाँ इन छोटी चिड़ियों को वो उचित माहौल नहीं मिल पा रहा है जो उनको चाहिए, इसीलिए अब ये चिड़िया यहाँ पर भी नजर नहीं आती है। गोरैया के लिए बनाए गए इन पार्कों को अब शायद लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ के इकोसिस्टम का लाभ इस नन्ही चिड़िया को नहीं मिल पाया है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ कौवों की संख्या, जो कि एक बहुत बड़ा पक्षी है, उसकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से गोरैया नहीं आती है, क्योंकि कौवे इन गोरैयों के नन्हे चूजों को खा जाते हैं जिसके कारण चिड़िया डरती है और इस पार्क में नहीं आती है। तो क्या अब इस चिड़िया का अस्तित्व खतरे में है ये मान लिया जाए? अगर आप चाहें तो कुछ थोड़े से बदलाव करके इस पक्षी को अपने घर के आसपास संरक्षण दे सकते हैं। अपने घर के आंगन में बालकनी, खिड़की, बाहरी दीवारों पर दाना और पानी जरूर रखें। बालकनी या घर की दीवारों पर या अपने आसपास के छोटे से पेड़ पर प्लास्टिक की बड़ी बोतलें या मटकी टांगे, जिससे ये नन्ही चिड़िया उनमें घोंसला बना सके। इसके अलावा आप बाजार से बने बनाए घोंसले भी लाकर लगा सकते हैं। घरों में धान बाजरा की बालियां जरूर लटकाए और यदि कभी कभी कोई गोरैया घर में घोंसला बनाने आए तो उसे हटाए नहीं, उसे संरक्षण दे, प्यार दे। ये छोटे छोटे से कदम आपको इस नन्ही चिड़िया की जिंदगी बचाने में सफल साबित हो सकते हैं। आज से ही शुरू कीजिए इस कार्य को और इस नन्ही चिड़िया को और इस नन्ही चिड़िया के जीवन को सुरक्षित कीजिए। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम गोरैया के ऊपर। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।